जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि भक्ति में बहुत ही शक्ति होती है। एक ऐसी ही भक्ति का प्रदर्शन हमारे भूतपूर्व कवि जो थे विद्यापति, उन्होंने किया था। दोस्तों आप लोग ने जरूर सुना होगा उगना और विद्यापति के बारे में। दोस्तों आइए इसी घटना को हम आज चर्चा करेंगे और इसी घटना को आपके सामने रखेंगे और इसके कुछ साक्षी जो है उनका प्रदर्शन आपके सामने करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ऐसी घटना का हूबहू, यानी कि ऐसी घटना का जो हमारी मीडिया है उन्होंने जब बतलाए थे तो उनका कुछ फोटोज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, उसके बाद ये भी देखिए, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद ये देखिए। दोस्तों यह देखकर आपको जरूर लग रहा होगा कि आखिर कौन थे विद्यापति और कौन थे उगना। चलिए मैं आपको विद्यापति के बारे में संक्षिप्त में बताता हूँ। दोस्तों विद्यापति का जन्म उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र के मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में हुआ था। दोस्तों उनके जो पिता का नाम था वह गणपति ठाकुर था। दोस्तों विद्यापति के पूरे वंशज पहले राजा के जो दरबार थे उनमें काम करते थे और खुद विद्यापति भी राज दरबार में काम किया करते थे। दोस्तों विद्यापति ने बहुत सारे रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है अवहट में। अवहट में उन्होंने कीर्ति पटाका, उसके बाद कीर्ति गाथा जिसे हम रसवाणी भी कहते हैं, और कीर्ति लता लिखे हैं। उसके बाद मैथिली में उन्होंने पदावली लिखे हैं और संस्कृत में भू परिक्रमण, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय, लिखनावली, विभागासार, उसके बाद शैव सर्वस्वसार, उसके बाद दान वाक्यावली, उसके बाद गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति रंगिनी और बहुत सारे संस्कृत में इन्होंने लिखे थे। यह थे विद्यापति के पूरे संक्षिप्त में निरूपण। और अब हम बात करते हैं कि आखिर उगना कौन थे। दोस्तों उगना जो थे वह महादेव का स्वरूप थे। तो आखिर उगना को क्यों पिटाई लगी थी, यानी कि महादेव जी को क्यों पिटाई लगी थी। तो दोस्तों हमने पहले ही बताया कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, तो आइए इसका हम पूरी घटना आपको बताते हैं आखिर क्यों महादेव को मार पड़ी थी विद्यापति के घर। तो चलिए हम शुरू से इसको पूरे घटना को आपके सामने में संक्षिप्त में निरूपण करते हैं। दोस्तों यह जो घटना है यह सन 1360 ईस्वी के आसपास की है। दोस्तों बिहार के बिस्फी नामक गांव में एक कवि हुआ करता था जिनका नाम विद्यापति था। दोस्तों विद्यापति कवि होने के साथ साथ भगवान शिव के अनन्य भक्त भी थे। दोस्तों इनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आप को, भगवान शिव ने अपने आप को विद्यापति के यहाँ नौकर बनकर रहने की इच्छा हुई। दोस्तों एक दिन भगवान शिव जो है वह एक जंगल में आए और वहाँ पे अपना भेष बदल लिए, एक जाहिल गवार लड़का का भेष बनाया और वह विद्यापति जी के घर आए और अपने आप का नाम जो महादेव है वह अपने आप का नाम उगना बताया और उन्होंने विद्यापति को कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, आप हमको अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए। दोस्तों विद्यापति जी का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय था, वह आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब था, इसलिए विद्यापति ने उगना को जो महादेव का स्वरूप था उन्होंने उनको अपने यहाँ नौकर बनकर रहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने यहाँ नौकरी पर नहीं रख सकता क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। दोस्तों लेकिन हमारे जो महादेव हैं उगना हैं वह मानने वाले कहाँ थे। उन्होंने विद्यापति जी की जो पत्नी थी सुशीला उनके पास गया और उनके पास अपना प्रस्ताव रखा कि आप अपने यहाँ हमें नौकर रख लीजिए, हमें नौकरी पर रख लीजिए। जो विद्यापति जी की पत्नी सुशीला थी वह बहुत ही चालाक थी, उन्होंने शिव रूपी उगना यानी कि शिव रूपी जो महादेव का जो स्वरूप था उगना उनको अपने यहाँ मात्र और मात्र दो वक्त की खाना, दोस्तों दो वक्त की खाना पर, मतलब सुबह शाम बस खाना देगा उगना को और उगना विद्यापति के यहाँ नौकरी करेगा। तो दोस्तों उगना जो थे महादेव वह तो मानने ही वाले थे और सुशीला भी बहुत खुश होगी, जो विद्यापति जी की जो पत्नी थी वह काफी खुश होगी कि चलो हमें फ्री के बराबर ही हमको एक नौकर मिल गया। दोस्तों लेकिन विद्यापति जी नहीं मान रहे थे, फिर भी सुशीला जो कि धर्म पत्नी थी और विद्यापति की, उन्होंने विद्यापति को मना लिए और अब विद्यापति भी मान गए उगना को अपने यहाँ नौकर पर रखने के लिए।
दोस्तों जो उगना महादेव का स्वरूप था वह विद्यापति के यहाँ नौकरी करने लगा। दोस्तों सुबह शाम उगना जंगल से लकड़ी ला दिया करता था, शाम को जो विद्यापति सोते थे तो उनका पैर सब दबा दिया करता था। दोस्तों एक दिन की बात है, जब विद्यापति जी राजा के दरबार जा रहे थे तो उनके साथ उगना भी जा रहे थे। दोस्तों बहुत ही गर्मी पड़ रही थी जिनके कारण विद्यापति जी को बहुत ही जोर से प्यास लग गई और वह जंगल से होकर के जा रहे थे राजा के दरबार, तो जंगल में ही गिर पड़े और उगना को बोला कि हे उगना तुम जल्दी से पानी लेकर के आओ, नहीं तो मैं यहाँ पे प्यासा ही मारा जाऊंगा। दोस्तों उगना जो कि महादेव का स्वरूप था वह जंगल में इधर उधर देखने लगा, मगर पानी का स्रोत कहीं नहीं मिल रहा था। तो लास्ट में उगना थक हार कर जो महादेव का स्वरूप है उन्होंने अपना जटा, जो जटा होता है महादेव का जो जटा होता है वह खोला और उसमें से गंगा जल भर लिए और वह विद्यापति के पास गए और विद्यापति जी को बोले कि लीजिए मालिक आप पानी पी लीजिए। जब विद्यापति ने वह पानी पिया तो वह उसे एहसास हुआ कि यह तो गंगा जल है। अब उनको आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर इस घनघोर जंगल में ना तो कोई पानी का स्रोत है तो उगना ने यह पानी कहाँ से लाया। अब विद्यापति को संदेह हो गया कि नहीं ये उगना नहीं है, यह किसी का स्वरूप है, यह पक्का कोई हमारे साथ छल कर रहा है, यह तो गंगा जल है, ये पूरे जंगल में कहाँ मिल सकता है। उन्होंने उगना से गंभीर होकर के और उनके पास हाथ जोड़ करके पूछा कि हे उगना तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो, इस जंगल में ना ही तो कहीं पानी का स्रोत है और ना ही कहीं पे तालाब है, ना ही कहीं पे नहर है, तो फिर तुमने यह गंगा जल लाए कहाँ से, गंगा जल समान पानी लाए कहाँ से। उगना कुछ नहीं बोला, बोला मालिक बस यहाँ से ऐसे ऐसे करके विद्यापति को दोहरा रहे थे, पहुँचा कर रहे थे। अंत में विद्यापति उगना के पैर पे गिर गए और बोले हमें माफ कर दो उगना, आप कौन हो आप हमें बताएं। बहुत ही विनम्र करने पर जो उगना है उन्होंने विद्यापति को अपना असली रूप दिखाया कि हम महादेव हैं। तो विद्यापति जी ने उगना का पैर पकड़ लिए और बोले कि हे महादेव आप हमसे इतना बड़ा अपराध क्यों करवाएं, आप हमें पैर दबा रहे थे, आपका हम भक्त होकर के आपका हम पैर दबाएं। तो महादेव ने कहा कि तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हारे पास रहने की मुझे इच्छा व्यक्त हुई। दोस्तों उसके बाद विद्यापति ने उगना को यानी कि महादेव स्वरूप को कहा कि आप हमारे पास ही रहिए, आप हमें छोड़कर मत जाइए, बहुत ही और रिक्वेस्ट करने लगा, बहुत ही उनसे मतलब पैर पकड़ने लगा। तो उगना ने विद्यापति को एक शर्त पे बोला कि मैं तुम्हारे पास रुक सकता हूँ, मात्र और मात्र एक शर्त पे। वह शर्त ये थी कि जिस दिन तुम मेरा वास्तविक परिचय किसी के सामने में बोल दोगे, यानी कि यदि तुम मेरा मैं उगना बनकर तुम्हारे पास रहूंगा लेकिन जिस दिन तुम मुझे यह किसी को बता दोगी कि यह उगना जो है यह महादेव का स्वरूप है तो मैं तुम्हारे यहां से चला जाऊंगा। दोस्तों विद्यापति ने यह शर्त मान ली। अब रोज रात को उगना जंगल में जाता था और विद्यापति उनके पास जाते थे और उगना का पैर सब दबा दिया करते थे, उल्टा करते थे। अब विद्यापति जी उगना को यानी कि महादेव को पैर सब दबा दिया करते थे। एक दिन हुआ क्या, जब उगना विद्यापति के साथ जंगल गए और वहां पे बहुत देर रुके, शाम को गए, विद्यापति उनको पैर सब दबा दिया करता था, तो उनकी जो धर्म पत्नी थी, विद्यापति की जो धर्म पत्नी सुशीला थी, वह जंगल आए तो देखे कि ये क्या, वो भौचक्का रह गए कि नौकर मालिक का पैर दबा रहा है। वह यह देखकर बहुत ही गुस्सा गई क्योंकि विद्यापति जी उगना का पैर दबा रहे थे, वह इतना गुस्सा गई लेकिन तभी कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर पर आ गई। अगले दिन जब विद्यापति कहीं गए तो उगना जो कि महादेव का स्वरूप था उगना, वह सुशीला जो थी धर्मपत्नी विद्यापति की, उन्होंने उगना को कोई काम दिया तो उगना ने वह काम को थोड़ा करने में देरी लगा दिए, जिस कारण से जो विद्यापति की धर्मपत्नी थी उन्होंने जहाँ खाना बन रहा था उसमें से जो चेला होता है लकड़ी होता है जो जल रहा था वह निकाला और लगा उगना को पिटाई करने, खूब पिटाई कर रहा। तो जो विद्यापति की जो पत्नी थी सुशीला उन्होंने उगना को बहुत मार मारा। उगना अपना चुपचाप कहीं पे कोना में दबक के रो रहा था, करके रो रहा था। यह बात जब विद्यापति को पता चला,
विद्यापति नंगे पांव दौड़े जंगल दौड़े और आए और जोर से बोलने लगे, महादेव छिए, महादेव है, महादेव का स्वरूप है उगना, मत मारो इसे, मत मारो इसे। ज्यों ही मुंह से निकला विद्यापति को, महादेव जी गायब। अब उगना गायब। वह आए, विद्यापति जी आए और सुशीला को बहुत डांटे, बोले कि ये तुमने क्या कर दी, अभागिन, पापी, नरकी, ये वो डिस्टर्ब, बहुत गाली देने लगे सुशीला को और बोले कि जो तुम जिसको तुम मारी वो महादेव का स्वरूप था, ये था वो था। अब विद्यापति लगे खूब जोर जोर से रोने और जोर जोर से खोजने लगे, उगना उगना कहाँ हो, उगना उगना उगना, पूरे जंगल खेत खलिहान बस भटकते रहने लगे उगना की खोज में कि उगना तुम कहाँ हो, उगना तुम कहाँ हो, महादेव कहाँ हो, उगना कहाँ हो। यह कहते कहते पूरे जंगल में घूमने लगे और पागलों की तरह गिरते पड़ते उगना की खोज करने लगे। अंत में महादेव विद्यापति पे तरस खाकर उस पे मतलब उसकी भक्ति को देखकर फिर से विद्यापति के पास अवतरित हुए, उनके पास सामने आए और विद्यापति को बोला कि तुमने मेरा वास्तविक परिचय अपने पत्नी के सामने में बोल दिया, इसलिए अब हम तुम्हारे पास नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुमको एक शिवलिंग दे रहा हूँ, शिवलिंग, और उनको तुम जहाँ रखोगे, उनको जो तुम जहाँ पे गाड़ोगे वहाँ पे तुम्हारा आशीर्वाद बनता रहेगा, वहाँ पे तुम सेवा करते रहना। दोस्तों वह जो शिवलिंग है, यह जो आप पीछे देख रहे हैं, ये वहीं का नजारा है, इसी शिवलिंग के जगह का नजारा है। दोस्तों यह शिवलिंग अभी वर्तमान में जो मधुबनी जिला के भवानीपुर गाँव है, उस भवानीपुर गाँव में यह शिवलिंग रखा हुआ है जिसका नाम है उगना महादेव मंदिर। दोस्तों यह थी रियल घटना जिसका साक्षी यह खुद मंदिर बता रहा है, उगना महादेव मंदिर जो कि मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में स्थित है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी तरह के हिस्टोरिकल पैलेसेस के बारे में, जो हमारे सिविलाइजेशन, हमारे कल्चर के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टूर ओवरव्यू को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब किसी अगले नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।